पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश में 14 से 17 फरवरी तक कांग्रेस सेवा दल के द्वारा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के आला नेताओं के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल लालजी देसाई भी मौजूद रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश में 14 से 17 फरवरी तक कांग्रेस सेवा दल के द्वारा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के आला नेताओं के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल लालाजी देसाई भी मौजूद रहे। 14 फरवरी को प्रदेश में शुरू होने वाली यात्रा का समापन हमीरपुर गांधी चौक पर किया जाएगा, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस कुलदीप राठौर के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल लालाजी देसाई भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमीरपुर पहुंचे कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सांप्रदायिक ताकतों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे नाकाम करने के लिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जाएगा। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल के द्वारा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और इस यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाएगा। 14 फरवरी 2020 से 17 फरवरी 2020 हम बिलासपुर से भारत जोड़ो तिरंगा मार्च शुरुआत कांग्रेस सेवा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा की जाएगी। पहला नाइट हॉल्ट कुमारवी में, दूसरा रात्रि ठहराव है हम लोग नगरौर में करेंगे और तीसरा नाइट हॉल्ट हमीरपुर में रहेगा। 17 तारीख ये यात्रा राजीव जी के 75वीं वार्षिक जो है जन्म जयंती में बनाई जा रही है। इस यात्रा में जगह जगह पर स्थान स्थान पर हम लोग जो वॉर विडोज हैं, शहीद हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिवारों को भी हम सम्मानित करेंगे। 17 तारीख को हमीरपुर में पूरी बाजार की परिक्रमा करके गांधी चौक पर जो है इसका समापन किया जाएगा। क्या उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? भारत जोड़ो तिरंगा मार्च जो आज के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों की वजह से जो देश है टूट के कगार पर है, इसको जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या सेवा दल के लोग ही रहेंगे इसमें? आप हमारे जो इसकी शुरुआत है उसमें प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी रहेंगे और बीच में जितने भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं पूरा इसमें हमारे यात्रा में साथ चलेंगे। 17 तारीख के दिन जो समापन समारोह है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी और पूरे हिमाचल के वरिष्ठ नेता सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी, लखनपाल जी, रजनी राणा जी, सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर। कुछ दिन पहले हमीरपुर कांग्रेस सेवा दल के संयोजक राजीव चोपड़ा के बीजेपी ज्वाइन करने पर अनुराग सिंह ने कहा कि निजी कारणों की वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने के लिए कोई लालच या पद देने की बात कही गई होगी तभी पार्टी छोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी को छोड़ने का काम करना अच्छी बात नहीं है और अब पार्टी उन्हें कभी वापिस नहीं लेगी। उनका कारण है, कोई निजी कारण उनके रहे होंगे, कोई ऐसे मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है कि पार्टी हमारी माँ है, माँ से संगठन और से गद्दारी करना, मतलब मैं नहीं मानता कि कोई नेता और कार्यकर्ता इस बात तक पहुँच सकता है। मतलब ये बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि वो पिछले 10 वर्षों से हमारे सेवा के लिए सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं। उनका मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा लालच उनको दिया गया होगा या उनके कोई निजी कारण रहे होंगे सदस्यों का। उनका क्या अगर पार्टी में आना चाहें फिर से वापसी जैसे लगा रहा है? हमारे सेवा दल में ऐसा अनुशासन है कि जो जिस तरह की बात करके गए हैं वापसी उनकी कभी तय नहीं होगी। सर उनका कहना है कि कुछ नेताओं से नाराज चल रहे थे, कुछ नेताओं का कुछ उन्हें कहा गया था पार्टी छोड़ने। देखिए पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेताओं से कभी किसी मुद्दे को लेकर कुछ नाराजगियाँ होती हैं, पर इस तरह का अनुचित कार्य करना मैंने समझता कि कार्यकर्ता के लेकिन एक चीज है कि हम अपने कांग्रेस सेवा दल की बात कहूँगा, हमारे यहाँ किस तरह का अनुशासन है कि वापसी नहीं है। जो एक बार चला गया उसके लिए सेवा दल में कोई जगह कांग्रेस पार्टी।